नमस्कार दर्शकों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, आज ट्यूसडे है 23 नवंबर 2021 और अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और आप मेरे पीछे साइड चारों तरफ ये देख सकते हैं किस तरीके से कोहरा भरा हुआ है। इधर सूरज निकल चुका है, अपनी किरणें बिखेर रहा है, फिर भी देखिए ये कोहरा है कि यहाँ से जा ही नहीं रहा है। अब आधा घंटा कम से कम लगेगा इस कोहरे को यहाँ से भगाने में। ठीक है, इस सूरज की रोशनी से कुछ देर में गायब हो जाएगा ये कोहरा। और आज काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है। सुबह 4:30 से मैं आया हुआ हूँ, रोड तरफ था, बैठा था हेडफोन लगा के, गाने वाने सुन रहा था। ठंड काफ़ी लग रही थी, स्वेटर भी नहीं पहना हूँ, कहाँ पर आता ठंड से। लेकिन जैसे ही मैंने दौड़ना वगैरह चालू किया फिर गर्मी आते गई और अभी ठीक लग रहा है। इधर अब देखते हैं कितने टाइम में ये कोहरा निकल पाता है। बगीचे में जाके फ्रेश होते होते देखना ये कोहरा गायब हो जाएगा। और आज फिर से इन खेतों में देखिए किस तरीके से ओस गिरे हुए हैं इन घासों में, है ना, इसलिए भी ठंड बढ़ी हुई है। और यहाँ से देखिए बस मेरे आसपास का ही ये जो खेत पेड़ वगैरह है दिखाई दे रहा है, दूर का तो बिल्कुल ही गायब हो गया है। ऐसे लग रहा है जैसे बादल पूरा ज़मीन पे उतर के आ गए हैं। देखिए दर्शकों, यहाँ का शांत माहौल आप महसूस कर सकते हैं। कतई जहर वाली फीलिंग आ रही है। ओस की बूंदें ये देखिए, या आपने कभी बादलों को ज़मीन पे उतरते हुए देखा है? नहीं तो ये देखिए चारों तरफ बादलों का पूरा काफिला घूम रहा है अपने गांव में। और दर्शकों, ये देख सकते हैं कल हमने ये कद्दू तोड़ा है, ये लगभग 5-5 किलो के हैं ये सारे, यानी 15 किलो होंगे तीनों मिला के। और इधर आप देखिए सब्जियों को, ये हैं भाजी, मूली, लौकी, कद्दू, पपीता वगैरह, देखिए किस तरीके से बड़े हो रहे हैं। इन मिर्ची के पौधों में घास उग रहा है, बैंगन के पौधों के पास भी घास उग रहे हैं। इधर मटर के पौधों को देखिए, वाह 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 वाह, ओस की बूंदें देखिए किस तरीके से पत्तियों में ठहरी हुई हैं। और हम अभी बांस की डंडी पकड़ के मौसम्बी तोड़ने के लिए जा रहे हैं। और इधर आलू का कुछ पता नहीं है, इसमें लगा है आलू। इधर बहुत सारे गाछी लगाए गए हैं। और यहाँ से अभी हम तोड़ेंगे मौसम्बी, तो ये वाला ठीक लग रहा है, ये तोड़ते हैं अपन।
ये हो गया एक, और तोड़ लेते एक दो, दो काफ़ी है अपने लिए। इन मौसम्बी को खाते खाते हम घर की ओर चलेंगे रोज की तरह। दर्शकों अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और हम अपने बगीचे आए हुए हैं घर वालों के लिए। यहाँ से 20 से 30 मौसम्बी तोड़ कर लेके जाएंगे, ठीक है। तो इधर इस पेड़ में बहुत सारे मौसम्बी पके हुए हैं, यहाँ से अपन तोड़ते हैं। दर्शकों अभी 9:40 हो रहा है और हम इधर गड्ढा खोदने के लिए आए हुए हैं। ये देखिए इस गोल गोल जगह में, ठीक है, यहाँ गड्ढा गड्ढा खोदेंगे और इसमें सब्जियाँ लगाएंगे, ठीक है। तो अभी सबसे पहले यहाँ को पूरा गड्ढा बनाना स्टार्ट करते हैं, इस लाइन में और उस लाइन में। चलिए और दर्शकों अभी 12:40 हो रहे हैं। ये देखिए किनारे किनारे को हमने छील लिया है और यहाँ पे थोड़ा सुखड़ाई हो गया है और इधर 8 से 9 गड्ढे बन गए हैं, देख सकते हैं। अब खाना खा के इधर का काम ये करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 10-12 गड्ढे और बनेंगे और पीछे साइड का बचा है। चलिए दर्शकों अभी 3:40 हो रहा है और वापस हम अपने बगीचे आ चुके हैं। अभी जहाँ पे गड्ढा बना रहे थे उधर चलते हैं, देखते हैं, थोड़ा बहुत कोड़ाई करते हैं और फिर शाम को सूरज ढलने के बाद घर निकलेंगे। बोर और ये कुएं का पंप दोनों बंद है आज के डेट पे। इधर देखिए किस तरीके से सीढ़ी बना दिया गया है यहाँ इस मेड़ के पास चढ़ने के लिए। वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और ये देखिए दोपहर में जो कोड़ाई करके गए थे ना इधर, ये घास वगैरह सूख चुके हैं। यहाँ का लगभग
आधा जितना बचा है इसे लग कम से कम कोड़ाई कर दिए रहते हैं, ठीक है। फिर गड्ढे बनाने का काम मेरे को नहीं लगता कि आज कर पाऊँगा, क्योंकि अभी अपने पास एक या डेढ़ घंटा ही है, तो देखते हैं कितना कर पाते हैं इतने टाइम में। 5 बजे तक तो पूरा सूरज ढल के अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है, तो 5 बजे तक ही काम करेंगे। अभी हो रहा है 3:45 हो चुका ना, चलिए देखते हैं 70-80 मिनट में क्या कर पाते हैं हम यहाँ पे। और दर्शकों अभी 4:30 बज चुका है और ये जो दोनों पटिया हैं इसे 45-46 मिनट में हमने ये देखिए पूरा कोड़ाई कंप्लीट कर दिए हैं, लेकिन गड्ढा नहीं बनाए हैं। गड्ढा कल सुबह आकर बनाएंगे, क्योंकि अभी अपने पास आधा घंटा का टाइम है और अपने को कुछ लाइट व्यवस्था करना है अपने बगीचे में, इसलिए ये जो काम है इसे आज यहीं रहने देते हैं, कल आकर गड्ढा बनाएंगे। फिर ये दोनों पटिया कंप्लीट होने के बाद इधर 3 पटिया और छोटा छोटा है ये वाला, तो ये सारे गड्ढों को तैयार करना है। देखिए जहाँ जहाँ पे ज़्यादा घास उगे हैं वहाँ पे गड्ढा था पहले, ठीक है, यहाँ पे वहाँ पे पूरा, तो इसमें भी लौकी और कद्दू लगाना है अपने को। और दर्शकों अभी यहाँ से निकलते हैं, पैर हाथ धो के चलते हैं लाइट की व्यवस्था करने के लिए, ठीक है। और दर्शकों अभी अपने बगीचे में लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, कल लगाएंगे। और अभी टाइम हो रहा है कितना टाइम हो रहा है 5:35 और हम घर की ओर निकल रहे हैं। देखिए चारों तरफ अंधेरा होना स्टार्ट हो चुका है, तो चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप व्यस्त रहें, मस्त रहें, मिल बांट कर खाएँ, सुख बांटे, दुख बटाएँ, जीवन की सारी चिंता घटाएँ। शी यू, टेक केयर, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।